सीहोर जिले के आष्टा में मनोज परमार के घर ईडी ने छापा मारा है। बता दें कि पूर्व में सीबीआई ने पीएनबी के ब्रांच मैनेजर मार्क पायस करारी और मनोज परमार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था, जिसके चलते ईडी ने सीबीआई भोपाल द्वारा दायर कर सीट के आधार पर जांच भी की। ईडी को जांच के दौरान बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि बैंक की धनराशि को विभिन्न फर्मों में ट्रांसफर कर दिया गया और बाद में इसे गलत तरीके से निकाल लिया गया। 7 दिसंबर को ईडी द्वारा प्रेस रिलीज कर कार्रवाई की जानकारी दी गई। ईडी द्वारा बताया गया कि ईडी के अभी तक के कार्यवाही में तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और चल अचल संपत्तियों का विवरण मिला है, उन्हें जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा छापा मारकर 3.5 लाख रुपए भी फ्रीज किए गए हैं।